हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल फैक्ट डायरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के जरिए हम आपको अजीब लेकिन अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं और सच्ची वीडियोस लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जापान की एक लड़की की कुछ रहस्यमय तस्वीरें। इस लड़की की तरह इसकी फोटोज भी रहस्यमय है। अब वो कैसे रहस्यमय है हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए। इजुमी मियाज़ाकी, ये लड़की जापान की ऑफ बीट फोटोग्राफर है। अपनी फोटोज की तरह वे भी काफी रहस्यमय है। उनकी ज्यादातर फोटो सेल्फ पोर्ट्रेट की तरह होती है। मियाज़ाकी कहती है कि फोटो में उनकी मौजूदगी के बावजूद जरूरी नहीं है कि वे फोटो में दिखाए गए भावों को रिप्रेजेंट करती हों। वे अपनी तस्वीरों को डबल मी कहती हैं। मियाज़ाकी CNN, टाइम और BBC जैसे चर्चित मीडिया संस्थानों में फीचर हो चुकी हैं। मियाज़ाकी की खींची तस्वीरें लोगों को आकर्षित करती हैं क्योंकि वे बड़ी रहस्यमयी होती हैं। देखने वाले उनके फोटोज के कई मीनिंग निकाल सकते हैं। शुरुआती नजर में बेहद अजीब लगने वाली अपनी ज्यादातर तस्वीरों में मियाज़ाकी खुद मॉडल भी होती हैं। वे तस्वीरों को स्पेशल इफेक्ट देती हैं। मियाज़ाकी की उम्र बहुत कम है। उन पर लिखे गए आर्टिकल्स में उनकी उम्र अलग अलग बताई गई है। किसी में उन्हें 22 साल की तो किसी में उन्हें 20 साल की बताया गया है। मियाज़ाकी कहती है कि मैं सेल्फ पोर्ट्रेट खींचती हूँ और उनमें मॉडल भी मैं ही होती हूँ। इसके बावजूद मैं यह महसूस नहीं करती कि वह मैं ही हूँ। मियाज़ाकी कहती है कि फोटो लेते समय उनका कोई विशेष मैसेज या पर्पस नहीं होता। वे चाहती हैं कि विजिटर्स खुले दिमाग से उनकी खींची हुई फोटोज देखें। जैसा मैं फोटो क्रिएट करते वक्त थिंकिंग में फ्रीडम रखती हूँ, वैसे भी मेरे विजिटर्स भी रखें। 2016 में मियाज़ाकी ने लक्समबर्ग की वाइल्ड प्रोजेक्ट गैलरी में अपनी सोलो एग्जीबिशन लगाई थी। उन्होंने 2012 में अपना टम्बर अकाउंट शुरू किया था, जो अब जापान में काफी फेमस हो चुका है। तो दोस्तों, जापान की इस मियाज़ाकी की कुछ अजीब रहस्यमय तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनको ध्यान से देखिए।